हेलो, नमस्कार। सुप्रभात, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई सिर्फ मैसेज करके मुझे बताएं चैट बॉक्स में। ओके, तो मेरी आवाज आ रही है? हम मान के चल रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी बताया, और अभी 50 से ज्यादा हमारे विद्यार्थी भी जुड़े हैं हमारे साथ। तो हम अभी आज का जो स्पेशल सत्र है हमारे इस संहिता वाचन ग्रुप के इसी प्लेटफॉर्म पे हम आज शुरू करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले 3 महीनों से ये वाचन सत्र शुरू किया, जिसमें हम हर रोज 10 बजे द्रव्य और कल्प का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें द्रव्य गुण की द्रव्य और रस शास्त्र के कल्प, इसका पूरा अध्ययन हम चला रहे हैं। ये पूरा निशुल्क है, और कई दिनों से इस प्लेटफॉर्म पर हम जब से शिफ्ट हुए हैं, इसका रिकॉर्डिंग करने की बहुत मांग हमें हो रही थी। तो इसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म चूज किया है, और यहाँ पर हम इसका रिकॉर्डिंग अभी कल ही यहाँ पे 5 या 10 बुक्स हम पब्लिश कर चुके हैं, और जो बुक्स सभी को मिल नहीं रहे थे उसका पीडीएफ भी हमें भेज दिया है। तो हम इसी स्पेशल सत्र में आज शुरू करने वाले हैं। आज का विषय है रसकल्पों का अध्ययन कैसे करें क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ पे मौजूद है आज के हमारे विशेष वक्ता वैद्य श्री प्रसाद बावड़ीकर सर जी। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनका स्वागत करता हूं। हम उनका छोटा सा परिचय देखेंगे। वैसे तो सर बहुत बड़े हैं, और सर का अध्यापन का अनुभव, चिकित्सा का अनुभव बहुत वर्षों का है। तभी हम उनका छोटा सा परिचय देने का प्रयास करेंगे। सर का परिचय ऐसा है कि सर ने BAMS और PhD आयुर्वेद में सर ने कंप्लीट किया है, और इसके साथ में BA MA MPhil संस्कृत और योग पदविका का अभ्यास भी सर ने पूर्ण किया है। सर चिकित्सक रहे हैं स्वास्थ्य निकेतन आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र में, और सर मानद चिकित्सक भी थे संजीवन हॉस्पिटल पुणे। इसके साथ में सर की प्राइवेट प्रैक्टिस भी गत 40 वर्षों से चल रही है, और सर ने इसके साथ में संशोधन कार्य भी बहुत सारा किया है। सर विभाग प्रमुख रहे हैं औषधि आयुर्वेद औषधि संशोधन का ज्ञान प्रबोधिनी में 1991 से लेकर 2011 तक। उसके साथ में सर संशोधक रहे हैं आयुसॉफ्ट सीडैक ज्ञान प्रबोधिनी पुणे, इनका जो संयुक्त प्रकल्प था आयुष मिनिस्ट्री का, उसके साथ में सर संशोधन सलाहकार भी है क्रीड़ाकुल ज्ञान प्रबोधिनी निगड़ी में और रसायु कैंसर क्लिनिक पुणे में। इसके साथ में सर ने कुछ विशेष विषयों का संशोधन किया है, उसमें है स्मृति, अनुक्त व्याधि, अनुक्त आहार, वृक्षायुर्वेद, हस्तलिखित संपादन, सूक्ष्म औषधि, और उसके साथ में सर ने बहुत सारी जगह पे अध्यापनों का भी कार्य किया है। सर मानद व्याख्याता रहे हैं तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में। सर मानद व्याख्याता थे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ। सर ई ग्रंथ वाचन चरक संहिता, उसमें भी अध्यापन का सर का कार्य है। उसके साथ में सर मानद व्याख्याता और मार्गदर्शक रहे हैं वैद्य साइंटिस्ट फेलोशिप में। सर का विशेष अध्यापन का जो विषय है और सर की रुचि है वो है चरक संहिता, अनुक्त विचार, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेदीय रुग्ण परीक्षा, वैदिक चिकित्सा, वनस्पति अध्ययन। सर ने बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यों में और कार्यशालाओं में भी सहभाग लिया है, जैसे कि अनुक्त आहार अध्ययन, अनुक्त व्याधि निदान चिकित्सा। सर की कुछ प्रकाशनें भी बहुत प्रसिद्ध है और वो पब्लिश हो चुकी है। वो तो है माधव निदान अध्याय 1 भाषांतर टीपा, उसके साथ नवीन रोग आयुर्वेद। सर की प्रस्तावना लेखन है आयुर्वेद आहार विमर्श में,
प्रस्तावना लेखन है सूद शास्त्र में, मधुजीवन इस मालिका में अनेक लेख सर के प्रसिद्ध है, मीमांसा विषय पर सर के लेख प्रसिद्ध है और सर ने अन्य सहयोग भी किया है, अनेक विशेष सर सलाहकार रहे हैं। तो इसके साथ में सर ने अभी खुद का एक वेबसाइट भी अभी पिछले ही महीने आदरणीय वैद्य नानल सर जी के हाथों से उनके कर कमलों से उनका उद्घाटन किया है, उसका नाम है चरकश्री। और सर का खुद का ऐप भी है, उसका भी नाम है चरकश्री। तो अगर हम उस ऐप पे और वेबसाइट पे जाएंगे उसका लिंक भी हम इस लेक्चर के बाद दे देंगे सबको और उस ग्रुप में भी हम सर्कुलेट करेंगे। तो आप सभी उस वेबसाइट पे जाइए और उसका जो सर का अध्यापन का कार्य है, अध्ययन का कार्य है, या आप विस्तृत वहां पर देख सकते हैं। उसके साथ में वहां पे सर ने कुछ कोर्सेज भी लॉन्च किए हुए, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सर का जो प्रमुख मूल खुद का अध्ययन का कार्य है वो आदरणीय गुरुवर्य कोलटकर सर जी के पास संपन्न हुआ। उसके साथ सर वैद्य कर्मरकर शास्त्री, वैद्य नानल सर, इनके भी शिष्य रह चुके हैं। तो ऐसे महानुभाव व्यक्तित्व हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो मैं सर से विनती करता हूँ कि सर आज के सेशन का शुरुआत करें और हमारे सभी विद्यार्थियों को और सभी वैद्यों को हमारे इस ज्ञान गंगा में हमें सम्मिलित करें। धन्यवाद सर। नमस्कार। हमारे मित्र केदार जी तथा हरीश जी तथा उनके अन्य सहयोगी बहुत दिनों से ये अनूठा उपक्रम चला रहे हैं, प्रशंसा पात्र है। एकमेव आयुर्वेद शास्त्र ही ऐसा है शायद जिनमें एक परंपरा रह चुकी है, जैसे कि स्वामी समर्थ रामदास जी कहते हैं, जैसे अपन आसी ठावे तेते इतरांसी शिकवावे। तो हमारे वैद्यों की एक परंपरा है खुले दिल से, जो उन्होंने सीखा है, गुरु जी से सीखा है या अपने चिंतन से उसमें कुछ बदलाव किया है, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है, तो वो सब उसमें उसका मिलाप करके अपना एक जो शक्य है चिंतन वो सबको बांट देते हैं। अब ये सुनने वालों पर निर्भर रहता है कि उसका सारा किट्टा विभाजन करे और आगे चले। तो मैं मेरे गुरुजी विद्यराज कोलटकर, एक अजीब व्यक्तिमत्व थे। एक उनकी खासियत ऐसी, जिस तरह रहती हो उसको अति जान लेते थे, भाप लेते थे, परीक्षण कर लेते थे और उसको कुछ ना कुछ ऐसा बताते थे वृत्ति के अनुसार वो काम कर सके। तो मैं तो ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता था गुरु जी से, तो गुरु जी ने कि तो मीमांसा अर्थशास्त्र की अध्ययन मेरी चल रही थी, दवाइयां भी कुछ कुछ निर्माण कर रहा था, लेकिन गुरुजी ने मुझे उस विमुक्त किया और बोल में बहुत सारे शिष्यगण है जो औषधि निर्माण करेंगे, तो जरा मीमांसा पर ध्यान दे। वो उन्होंने जो कहा तो गुरु की आज्ञा दी, तो मैंने सोचा ही चल पड़ा। तो उसका क्या क्या उपयोग हो रहा है वो एक एक जैसा साल बीत गया, एक एक तप बीत गया, 10-12 साल बीत गए, तब ऐसा महसूस हुआ कि जो गुरुजी ने उस समय बताया था 87 से लेकर 90 तक, उस समय का ये
फल रूप अभी मिल रहा है। तो रसकल्प मैं खुद बनाता नहीं हूं, इन्हें कम बनाता हूं, लेकिन उसका अध्ययन करने की पद्धति ये मैं कई सालों से सिखा रहा हूं और वो मेरा तंत्र युक्ति का अध्ययन हमने क्रिटिकल केसेस देखे हैं, मैनेज किए हैं आईसीयू से लेकर, उसका अनुभव इन सब है। तो आज उसी से हम प्रारंभ करेंगे, रसौषधि का अध्ययन कैसे करना है। कहावत है निरुक्तकारों की, भाषा शास्त्रज्ञों की, वो कहते हैं एक शब्द सुष्ठु ज्ञात सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामदुपवती। अगर आप एक भी शब्द अच्छी तरह से जान ले और उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करे तो वो स्वर्ग में भी आपको काम आपकी कामना पूर्ण करेगा। तो वही मेरा भी सिद्धांत है कि अगर आप एक वनस अध्ययन भी अत्यंत समुचित कर ले तो उस पर मेरी पुस्तक है द्रव्यगुण मीमांसा और कोर्स भी उसका जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। तो वनस्पति का या प्राणी द्रव्यों का या वनस्पति के गट जो आते हैं उसका उनका अध्ययन कैसे करें, आप एक का भी अध्ययन कर ले तो आपकी एक दृष्टि तैयार हो जाती है। वैसे ही आज हम सीख लेंगे कि रसकल्पों का अध्ययन कैसे करना है। एक उदाहरण मैं लूंगा, लेकिन अगर आप एक महीने के अंतर में अगर आप उस तरीके से एक आपकी बुद्धि के अनुसार आपके समय के अनुसार एक कल्प का भी अध्ययन करेंगे तो आपकी एक इतनी अच्छी दृष्टि तैयार हो जाएगी कि जब आप कोई भी कल्प देखते हो, यानी कि पुस्तक में देखते हो, उसका वर्णन देखते हो, तब आपके आंखों के सामने वो पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाएगा कि यह औषध मुझे कह रहा है कि मुझे यहां जाना है। ये ऐसा मारा दावा है। एक महीने के बाद आप केदार जी से बता दीजिए कि आपको क्या महसूस हुआ, मुझे बता दीजिए। शुरू करते हैं, बहुत वही प्रस्तावना। तो अभी हम भस्मों की चर्चा अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग सवाल ये है। तो रसौषधि जिसको कहते हैं उनमें सिर्फ खनिजों के भी द्रव्य खनिज द्रव्य भी होते हैं या वनस्पति और खनिज द्रव्य ऐसे भी होते हैं, भस्म भी होते हैं, तत्वों के भस्म भी होते हैं। तो ऐसे एक का अध्ययन आएंगे। तो इस स्तर है, अभी यह है तृतीय अनुसार आपके पास भी रसौषधि का है या जो आपने कल तक पढ़ा है, जानबूझकर दिया नहीं है आपके लिए क्योंकि आप जैसा चाहे प्रार्थना भी कुछ आप कहिए वो कल्प निकाल के बैठ जाए। ये माइक चलो आप एक ये लेकर बैठ जाए क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ सुन के चले जाना नहीं है,
आपको थोड़ा थोड़ा काम भी करना है। तो इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि आप पेपर और पेंसिल लेके ही बैठ जाए और जो भी आपके मन में है अनुसार आप आपका अध्ययन यहाँ पे हो जाएगा। अभी मेरे सामने जो है लघु मालिनी वसंत है, क्योंकि वो छोटा कल्प है लेकिन दिशा अनया चापी स्वयं होए तो बुद्धिमान, इसके अनुसार मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप चाहे तो लघु मालिनी ही आगे लेकर बैठ सकते हैं तो एक आपकी दिशा स्पष्ट होगी। तो शुरू करते हैं। आपका जो आपके सामने जो रसकल्प है उसकी निर्माण विधि पहले लिखी होती है, उसके बाद उसकी फलश्रुति होती है। तो ये फलश्रुति के अनुसार उसका इस्तेमाल करना ये बिल्कुल एक प्राथमिक स्तर होता है, बिल्कुल प्राथमिक स्तर, जिसको हमारे कोरटकर गुरु जी कहते थे एकम स्थान का वैद्य। जो ज्यादा चिंतन बिंतन करने वाला नहीं है, जो सिर्फ पढ़ा है कि ये तो सर्वरोगे वो संता, ऐसा जो एक जिसको हमारा एक दोस्त है अमेय ये पाटकर, वो कहते हैं शादी बनाना, मैच द पेयर्स, ऐसी उसकी परिभाषा है। हमारे एग्जाम में होता है ना मैच द पेयर्स, वैसे ये व्याधि है ये दवाई है, ये लक्षण है ये दवाई है। ऐसे जो प्रथम स्तर के या नए नए वैद्य है उनके लिए ये प्रथम स्तर है। तो अभी जैसे लघु मालिनी के फलश्रुति में दिया है, जीर्ण ज्वरे धातुवते अतिसारे रक्तान्विते रक्त भवे विकारे घोर व्यथे पित्त भवे च दोषे वल्लद वल्लद्वयम् दुग्धयुतं च पथ्यम्। एक पाव है प्रदरं नाशयन्त्याशु तथा दुर्नाम शोणितं विषयन् नेत्र रोगं च गजेन्द्रमिव केसरी। भी और भी कहा है कि सर्वरोगहरा शिशो हो गर्भिण्य तत्र देयो वै जयंत्या पुष्पर कई सह सर्व ज्वरहर श्रेष्ठो गर्भ पोषण उत्तम। तो अभी यहाँ पे हमें जीर्ण ज्वर है, धातुगत अतिसार है, रक्तान्वित विकार, रक्त भव विकार, घोर व्यथा, पित्त भव दोष, इसमें दुग्धयुतम इतना देना है, वल्लयुत वल्लद्वयम दुग्धयुत देना है, अनुपान भी बताया है उसका, प्रदर पे इसका उपयोग है, दुर्नाश चिकित्सा हो सकती है, नेत्र रोग पे है। और वहां पे कैसा है कि गजेंद्रमिव केसरी, जैसे सिंह बहुत सारे हाथियों को जीतता है वैसे काम करता है। अभी जाते थे बता तो इसको बोलते हैं अर्थवाद। अर्थवाद यानी जो मूल कुछ बताना है उस पर कुछ उसकी प्रशस्ति करना है उसके। जैसे हम फलानी फलानी मूवी देखी है आपने? नहीं देखी, जरूर देख लो, बहुत अच्छी है। तो जरूर देख लो, इस पर हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि फलाने फलाने की भूमिका बहुत अच्छी है, फलाने फलाने गाने बहुत अच्छे हैं, तो ये जो है ये थोड़ा ज्यादा उस पर भाष्य करना, इसको कहते हैं अर्थवाद। ये आप मेरे जो यूट्यूब पर अलग अलग व्याख्यान है वहां पे आपको मिल जाएगा। मीमांसा का पारिभाषिक शब्द है अर्थवाद, इंट्रोडक्शन टू मीमांसा मेरा व्याख्यान है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, लेकिन ये समझ लो जरा। तो ये हो गया प्रथम स्तर। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये जो जिसकी फलश्रुति आई है जीर्ण ज्वर धातुगत सर, उसमें हमारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और ऐसे भी वैद्य मैंने देखे हैं, मेरे आंखों के सामने देखे हैं, नाम भी लेना चाहूंगा, शंकर सिंह गिरा से, थोड़े जड़गांव के वहां पे, और उनकी एक अपनी एक खासियत थी। ओपन कॉक्स के बहुत सारे उन्होंने ठीक किए, और उनकी एक ये थी, वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य च, ये जो सूत्र दिया है रक्त पित्त, तो वासा है और क्षय है तो बस, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो वासा का घृत, वासा का तैल, वासा का कल्प, वासा का ये, वासा,
और मत्स्य बस्ती, कर्ण पूरण, नाभि पूरण, जहां से उचित लगे उसके अनुसार वो चिकित्सा करते थे वासा की क्षय पर, ट्यूबरक्यूलोसिस पर, और रोगों की हजारों की तादाद पे उन्होंने ठीक किए। इसे मैंने देखा है, उनको मैं मिला हूँ, मेरे बिल्डिंग में ही मेरे गुरुजी वैद्यराज शेंडे रहते थे, उनका दवा क्लिनिक है, तो उनसे मिलने आते थे, मेरी भी चर्चा होती थी, सुन लेता था उनके पराक्रम। तो इतनी उनकी वाग्भट पर श्रद्धा थी। वाग्भट ने कहा है वासा और क्षय, तो वासा और क्षय बस, चर्चा नहीं। एक थोड़ी परिहास भी बता देता हूँ आपको कि जो जिसको आप लोग अभी बाइक कहते हैं, उसको हमारे हम जब 20 साल के थे तब फटफटी कहते थे, या छोटे थे 5-10 साल से, जब से 20 साल तक हो गया तब तक फटफटी कहते हैं। तो ये शंकर सिंह गिरा से जी ने उनकी जो फटफटी थी उनका नाम अभी वाग्भटी रख दिया था। इतनी एक अनूठी श्रद्धा थी उन पर। तो ये प्रथम स्तर जो है हमको बताता है कि इतनी अनूठी श्रद्धा रखकर आप जीर्ण जुरा है दे दो लोगों मालिनी, आपका बिल्कुल असर पा सकते हो। सर वो जन श्रेष्ठ बता दिया है तो बिल्कुल दे दो, आपका इस्तेमाल, आपका जो योजना की है बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी, उस पर कुछ ना कुछ असर, कुछ ना कुछ नहीं, अच्छा ही असर होगा। अब क्या कहता है कि मात्रा कालाश्रय युक्ति ही, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं लोगों ने दिया 1 ग्राम की जरूरत है और आपको तो 250 मिलीग्राम ही दिया, नहीं, मात्रा और काल आपको तय करना होगा। लोगों ने असर तो करेगा पर मात्रा और काल आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि मात्रा कालाश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठित, युक्ति पर सिद्धि अवलंबित होती है। तो ये हो गया अपना पहला स्तर। अभी जाता है दूसरा स्तर। अभी इसमें देख लीजिए, ये थोड़ा एक उठपटांग लगने वाला विचार है। इसमें देख लीजिए आप जन्य जनक विचार और समूह विचार। अभी ये जो आप देख सकते हो कि ये फ्रेमवर्क मैंने कहाँ से पाया, तो व्याकरण भी मैं पढ़ा हूँ, हमारे एक बड़े विद्वान थे पुणे के भागवत गुरु जी, उनसे मैं व्याकरण पढ़ा हूँ, व्याकरण पाणिनीय व्याकरण के बिल्कुल कंप्यूटर थे वो, तो उनसे जो पढ़ा हूँ तब समास विचार में या सौदा संधि कारक सीखा है हमने फर्स्ट ईयर में, उसमें से ये फ्रेमवर्क आता है। तो आप देख लीजिए कि षष्ठी शेषे ऐसा एक वर्णन किया है। षष्ठी किसको लगती है? षष्ठी होती शेषे, शेषे यानी जो 1, 2, 3, 4, 5 से नहीं है, जो कर्ता नहीं है, जो कर्म नहीं है, करण नहीं है, अधिकरण नहीं है, अपादान नहीं, उसको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन उसमें भी स्वस्वामी भाव विचार या जन्य जनक विचार ऐसी एक भावना होती है, तो उसी फ्रेम का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो जन्य जनक विचार यानी हम जानते हैं निदान में, निदानार्थ करो रोगस्य अपि उपजायते तद्यथा ज्वर संतापात रक्तपित्त उदीर्यते। तो यहाँ पे जो दिखा है आपको कि जीर्ण ज्वरे धातुगते अतिसारे, यानी कि ज्वर के कारण जब अतिसार होता है या अतिसार के कारण और कुछ पांडु, अतिसार के कारण और कुछ पांडु या कामला होती है या ऐसे भी परिवर्तन होता है, ऐसे अगर हमें दिखाई दे कि पहले ये जीर्ण ज्वर था उसके बाद धातुगत अतिसार हो गया, या पहले ये अर्श था और उसके बाद प्रदर शुरू हो गया, ऐसे अगर कि भद्र महिला के साथ दिखाई पड़े, तो यहाँ पे जन्य जनक का विचार अगर होता है, उदर का विचार या उपद्रव विचार, उसमें तो आप बेझिझक दे दीजिए। फिर एक बार बताता हूँ, जिसमें ये जो फलश्रुति के बीच में जो वर्णन किया है व्याधियों का, उसमें अगर आप पाते हैं कि इन दो व्याधियों में अगर जन्य जनक का विचार है कि जीर्ण ज्वर हो गया और अतिसार हो गया, होता है ना ऐसा, ज्वर के बाद उपद्रव अतिसार होता है, तो ऐसे गया अतिसार के, अतिसार अत्यधिक होने के कारण कुछ ना कुछ रक्तान्वित विकार हो गया, तो आपको ये परफेक्ट दवाइया है, क्योंकि इसमें फलश्रुति में ही जन्य जनक का विचार आया है।
ये वित्तीय स्तर बोलते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम में क्या होता है कि अनेक व्याधियों का समुच्चय होता है, जिसको हम ऐसे कह नहीं पाते कि ये फलाना व्याधि है, क्योंकि सब लक्षण उतने ही प्रबल होते हैं। तो अगर आप ऐसे पाए कि इसमें जीर्ण ज्वर भी है, धातुगत ऐसा अतिसार भी है और रक्त की कुछ समस्या भी है, तो ऐसे जो फलश्रुति में जितने भी रोग दिए हैं, ऐसे अगर आप पाते हैं कि इसमें जो फलश्रुति में 10 रोग दिए हैं, तो 10 रोगों में से 4-5 रोगों इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, होता है ऐसे सिंड्रोम में होता है बहुत सारे। इसको आधुनिक काल में सिंड्रोम कहते हैं, जैसे कि पहले PCOS है, जो महिलाओं में, बच्चियों में, अविवाहित बच्चों में दिखाई देता है। तो ये तो देख लीजिए आप कि जितने भी ये आलोकमालिनी के लक्षण फलश्रुति दिए, इसमें से बहुत सारे PCOS में दिखाई देते हैं आपको। तो इसके लिए ऐसा, अगर मुझे पूछे कि PCOS के लिए ज्यादा सोचेंगे नहीं, दवाइयां बता दीजिए, मुझे मुझे सोचना नहीं है ज्यादा, संप्राप्ति विप्राप्ति कुछ नहीं सोचना, ये दवाई अच्छी है, ऐसा मैं कह दूंगा। क्योंकि देख लीजिए आप, प्रदर्म नाशयति आशु वगैरह सब ये जो कुछ दिए हैं, वो वहां पे कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा विचार। तो द्वितीय स्तर पे क्या होता है कि पहला विचार ये है कि अगर फलश्रुति में जितने भी रोग दिए हैं, उनमें अगर जन्य जनक का भाव है, तो ये अपनी अप्रोप्रिएट दवाइयां है, पर्याप्त दवाइयां है। जैसे जीर्ण ज्वर हुआ है, या ज्वर जीर्ण हुआ है, उसके बाद अतिसार शुरू हो गया, बिल्कुल पर्याप्त दवा है। आप बिना ज्यादा ऊहा करते हुए ये आप लोकमान्य दे दीजिए। ऐसे भी हर इसमें होता है, जो भी आपने सामने रखा है आपका, उसका एक ये अध्ययन कीजिए। तो पहले स्तर का अध्ययन क्या हो गया आपका, कि जितने भी फलश्रुति में दिए हैं, उसमें एक बेझिझक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ ध्यान रखिए मात्रा और काल का। दूसरा स्तर हो गया कि फलश्रुति में जितने भी व्याधि दिए हैं, उसमें अगर जन्य जनक का भाव है या समूह भाव है, तभी ये आपको पर्याप्त दवाई है, वहां पे भी आप बेझिझक दे दीजिए, उसका इस्तेमाल आपको उचित परिणाम दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखना आपको क्या पड़ेगा, मात्रा काल इसका ध्यान रखना पड़ेगा, मात्रा कालाश्रय युक्ति। तो यह हो गया द्वितीय स्तर। अभी तृतीय स्तर, ये दो तो मैंने बता दिए कि जो इसको हम, मेरे गुरु जी कहते थे कि एकम स्थान का वैद्य, यानी ज्यादा सोचने का नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का। जैसे कि चरक सूत्र स्थान में 15वें अध्याय में एक चर्चा आई है, बड़ी अजीब चर्चा है। गुरु जी बताते हैं कि आप ये इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो। तो जो एक विद्यार्थी है, वो जरा अपने खुद का एक अलग सा दिमाग, जिसको हम कहते हैं मुन्ना भाई, मुन्ना भाई दिमाग, ऐसा वो मुन्ना भाई है, उस समय का मुन्ना भाई। तो वो बोलता है कि गुरु जी, वो अपने ढंग में बोलता है, मुन्ना भाई ऐसा बोले तो ऐसा नहीं बोलता, लेकिन अपने ढंग में बोलता है, आदौ एव भगवता तथा प्रतिविदातव्यम यथा प्रतिविहिते सिद्धेदयो औषधम एकांतेन। यानी अगर ये मुन्ना भाई बोले तो क्या बोलेगा, बोले तो अपने को ऐसा दवाई बता दो ना कि काम होना चाहिए, अपने को झंझट नहीं करने का। तो ये जो आज का मुन्ना भाई बोलेगा, वही उस समय के मुन्ना भाई ने अपने विनम्र अध्याय अपने अभिव्यक्ति किया है कि आदौ एव भगवता तथा प्रतिविदातव्यम यथा प्रतिविहिते सिद्धेदैव औषधम एकांतेन। ये दुनिया भर का झंझट हमसे नहीं होता, आप ऐसा बताइए कि औषध दिया और उसका इस्तेमाल पर्याप्त हो गया, ऐसा ही बता दीजिए। ये सब उसके कॉम्प्लिकेशन हो गए, उपद्रव हो गए, ये नहीं करना आपको। तो गुरु जी बताते हैं कि सूक्ष्माणि ही विकल्पानि, दोष धातु, इनके जो विकल्प है वो बड़े गंभीर है, सूक्ष्माणि। और यानी अनुचिंत्य मानानि विमल विपुल बुद्धेर अपि बुद्धि माकुली कुर्यु किम पुनरल्प बुद्धे। जिनकी बुद्धि विमल है, जिसमें मल नहीं है,
विपुल है, बड़ी है, व्यापक है। उनकी भी बुद्धि आकुली कुरियो हो, एक व्याकुल सा कर देते हैं, हैरान कर देते हैं। किम पुदर अल्प बुद्धि है, इनकी बुद्धि ही ज्यादा नहीं है, उसकी क्या हालत होगी, ये कह देते हैं। और एक तो पहली बात कह देते हैं, और दूसरा सवाल पे वो जाते हैं, तब कहते हैं जैसे कि आपने कहा किसी आदव भगवता तथा प्रतिरथम यथा प्रतिवीते सिद्ध देव औषधम एकांत न, ये दे दिया राम बाण जैसे, मार दिया बाण, रावण का वध हो गया, ऐसा भी शक्य है। लेकिन किसको, अस्मद विधेर, अस्मद विधेर वापी अस्माभिर अस्मद विधेर वापी अग्निवेश, मैं और मेरे जैसे जो लोग उनके लिए ये हो सकता है। तो चरक ये जो अपनी संहिता है वो आपको बताती है कि वो जो गुरु जी ने कहा है मैं और मेरे जैसे वहां पे जाने का एक मार्ग बताती है चरक संहिता। इसलिए मैं कहता हूं कि रोज आधे घंटे चरक संहिता पढ़े बिना सोना नहीं या खाना नहीं। आपके पास 24 घंटे नहीं है, आपके पास 23 घंटे और 30 मिनट ही है हर दिन, जब से आपको आपने आयुर्वेद में एडमिशन लिया है तब से। आपका दिन का मतलब 23 घंटे और 30 मिनट, 30 मिनट चरक, यही आपका होना चाहिए, ताकि आपको एक अस्माभिर अस्मदुदेर वापी वहाँ जाने की एक दिशा मिल जाए। थोड़ा एक विमर्गमन हो गया लेकिन जरूरी था। तो अभी ये तृतीय संस्कार, तृतीय स्तर जो बता रहा हूँ वो थोड़े से पहले स्तर के अपेक्षा थोड़ा ऊपर जा रहा है, हम लोग एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पेपर पेंसिल लेके बैठना है, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे लिखे, अभी ये मैंने फ्रेम दिया है, ये करना आपको है, मैं नहीं करूँगा। तो खर पर है उसमें, तो खर पर का रस लिख लीजिए और बल लिख लीजिए। सिर्फ खर पर कटुरस का होता है नहीं, कितने बल का होता है, उत्तम बल, मध्यम बल, हीन बल, ये लिख लीजिए। अभी आप इसका फोटो निकाल सके लग दीजिए, बाद में कीजिए अध्ययन। उसके बाद खरपर का वीर्य और बल लिख लीजिए, उसका विपाक और बल लिख लीजिए, ये खरपर का अध्ययन हो गया। उसके बाद मरीच का रस, वीर्य, विपाक और उसका बल लिख लीजिए। अभी इन दोनों को मिलाकर, खरपर और मरीच मिलाकर उसका प्रमाण देख लीजिए कितना है, कितना है, रसक युगुल भागम वल्लीजम भागम एकम। तो मरीच का अगर हम एक स्टैंडर्ड पकड़े एक्स, तो खरपर का होगा जो भी है 2x होगा, है ना, यानी कि इसका एक हमने एक में एक मिला लिया खरपर और मरीच का, तो यूनिट हो गया 3 का यूनिट हो गया। उसमें खरपर का जो रस और बल है वो 2 गुना होगा, खरपर का वीर्य 2 गुना होगा, विपाक का 2 गुना और मरीच का रस वीर्य बल 1, यानी कि टोटल आपको मिल गया 3 यूनिट, 3x मिल गया। तो उसमें से ये अभी उसका बल लिख लीजिए कितना हो गया, यानी खरपर और मरीच मिला के रस क्या हो गया, यानी कि एक सामान्य तौर पर खरपर कटु रस का है और मध्यम बल का है, मरीच कटु रस का है, उत्तम बल का है। तो खरपर का मध्यम बल 2 गुना और मरीच का कटु रस उत्तम बल 1 गुना, यानी सम्मिलन किया जाए तो खरपर और मरीच मिला के भी रस होता है कटु रस उत्तम बल, खरपर और मरीच मिला के कटु रस उत्तम बल होता है। अभी वीर्य खरपर का जो है, मरीच का जो है, उसका भी ऐसे ही मिलाप कीजिए, और खरपर और मरीच का मिलाप करके क्या होता है वो लिख लीजिए। विपाक का भी ऐसा ही कीजिए। अब ये हमारा एक प्राथमिक अध्ययन हो गया, अभी इस पे ये इकट्ठा हो गया है, तो इसका एक हमारा जो ग्रुप मिला है आपको, अभी यहाँ पे एक थोड़ा समझ लेना जरूरी है। मैं एक थोड़ा विमर्गमन करके आपको एक सम्मूर्छना संकल्पना बताता हूँ। हमने तो संकल्पना सुनी होगी कि सम्मूर्छना में क्या होता है, कि दो अलग अलग
द्रव्य इकट्ठे आते हैं और तीसरा कुछ मतलब कुछ ना कुछ द्रव्य बदल जाता है। लेकिन संमूर्छना कल्पना इतनी सीधी साधी नहीं है, उसमें सिर्फ द्रव्यों का इकट्ठा आना नहीं होता। तो मूलतः नैयायिकों की जो कल्पना है उसमें ये ऐसा कहा गया है कि दो अलग अलग गतियां इकट्ठी आती है और उसकी गति बदल जाती है। दो अलग अलग गतियां इकट्ठी आती है और उसकी गति बदल जाती है, इसको कहते हैं संमूर्छना। सिर्फ द्रव्य इकट्ठे आना इसको संमूर्छना नहीं करते, यानी पारा और गंधक और कज्जली ये संमूर्छना का उदाहरण दृष्टांत है, लेकिन दो गतियां इकट्ठी आ जाना, तो ये मैं जो सोच रहा था कि मेरे द्रव्य गुण मीमांसा में उसका मैंने चिंतन किया है कि कुड़ा और कुटकी ये दो पूर्णतः विरोधी गतियां इकट्ठी आती है। अब 300 से ज्यादा दवाइयों में है, कुड़ा है कुटकी है, अलग अलग गतियां हैं वो इकट्ठी आ जाती है। जब ये दोनों गतियां इकट्ठी आती है तब उसका बन जाता है आमाशय पर कार्य। अभी देखे तो ये कुटज है वो स्तंभन है, कुटकी है भेदन है, उनका कार्यकार कार्य का जो देश है वो है पूरा अधोगुदक, लेकिन वो दोनों इकट्ठे जब आ जाते हैं तब काम करते हैं आमाशय पर। अभी इसका चिंतन यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे व्याख्यान दिए, मेरे द्रव्य गुण मीमांसा पुस्तक में उसका विवरण है, आप वहां से देख सकते हैं या अवश्य या यूट्यूब पर चैनल पर मेरा जो व्याख्यान है वहां पे भी देख सकते हो। तो पहले ये संस्कार विचार में क्या किया हमने, खरपर और मरीच इकट्ठा कर लिया, उस ग्रुप का एक रस वीर्य विपाक लिख लिया। अभी उसमें डालेंगे हम नवनीत। अभी नवनीत कितना डालना है उसकी मात्रा नहीं है, वो कितना डालना है उसका दिया है कि इतना डालना है कि नवनीत से घृत निकलकर ये जो मिश्रण है उसको एक स्नेह आना चाहिए। अभी इसकी मात्रा क्या है कि खरपर और मरीच जो दोनों भी वृक्ष है इनमें इतना नवनीत डालना है कि इतना रगड़ना है, इतना रगड़ना है उसको कि जो रुक्षता चली जाए और उसको एक स्नेह का रूप आ जाए। यानी खरपर और मरीच जो मिश्रण बनाया तो अभी इसके संस्कार के कारण ये खरपर मरीच नवनीत का रस क्या हो गया, बल क्या हो गया, रस और बल क्या हो गया, वीर्य क्या हो गया, विपाक क्या हो गया और उसका बल क्या हो गया, इस पर चिंतन कीजिए। यानी कि पहला ग्रुप खरपर और मरीच, उसके बाद अत्यधिक मात्रा में नवनीत डालकर जो परिवर्तन हुआ उसका अध्ययन रस बल वीर्य विपाक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे कई लोग ठहरते हैं या कई कई उसके बाद भी वो जो स्नेह आया है उसका परिणाम ना हो इसलिए नींबू का रस डाल के भी उसको रगड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, पर आप लिख सकते, नींबू का रस भी इतना डालना है कि वो जो स्नेह रूप आया है उस ग्रुप को खरपर मरीच और नवनीत को वो चला जाए। तो दो द्रव्य इकट्ठा किए हमने, उसमें नवनीत की भावना दे दी और नवनीत के संस्कार हो गए, और उसके बाद नवनीत के जो संस्कार हुए हैं जो एक स्निग्ध उनको आ गया है, स्निग्ध लिप्तता आ गई है वो चली जाए इसलिए नींबू का रस आ गया। तो नवनीत के रस बल, उसके बाद नींबू रस के रस बल, ये सब इकट्ठा करके आप वो जो समुदाय प्रभाव हो गया है हमारा कल्प, उसका रस क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है, उसका बल, ये सब लिख लीजिए। मुझे लगता है आसानी होगी आपको, ये छोटा सा लिया है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एकः शब्दः सुष्ठु ज्ञातः सम्यक प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामदुग् भवति, यही मेरा दावा है। अगर आप इसी तरीके से एक ही कल्प का अध्ययन करें तो आप जैसे कोई भी कल्प पढ़े तो कल्प पढ़ते पढ़ते आपकी उसकी अनुगामिता गामिता उसका अनुपान इस सब का एक चित्रण आपके मन में तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाएगी कि ये दवाइयाँ कहाँ पे काम करती है, कैसे काम करती है, और मुझे ये इसकी दवाइयों का एक अच्छी तरह से इस्तेमाल कैसे करना है। तो एक पुनः एक उसके अनुधावन करते हैं, खरपर रस को युगुल भाग, हम दो भाग लेना है, खरपर और मरीच
इसके अलग अलग लिख लिए, उसका पर मरीच यूनिट का क्या हो गया वो लिख लिया, उसकी नवनीत की भावना दे दी, वो तो सबसे ज्यादा मात्रा है, उसके कारण जो परिवर्तन हो गया उसका ये भी लिख लिया, और उसमें अगर हमने मिलाया है ना नींबू रस या नहीं मिलाया है, जो भी है, कर्षण का तो एक अलग कार्य होता है, उष्ण उसमें समा जाता है, क्योंकि वो घर्षण होता है ना, रगड़ते हैं तो घर्षण होता है, तो उसका भी एक अनग्नि स्वेद कह सकते हैं या अनग्नि संस्कार, यदि उष्ण संस्कार ही है लेकिन अग्नि नहीं है उसमें, अनग्नि संस्कार है लेकिन उष्ण वीर्य संस्कार है, उसके कारण जो परिवर्तन होता है वो सब हमने लिख लिया। अभी ये समुदाय या प्रभाव हो गया, तो जैसे कि मैंने कहा कि संमूर्छना में क्या होता है, दो द्रव्य अलग अलग आते हैं, उससे एक अलग गतिगति तैयार होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि खरपर मरीच और नवनीत, इसका समुदाय प्रभाव का असर अलग होगा, और एक व्यवहार में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अनेक पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी आती है, उनका अपना अपना एजेंडा रहता है, क्योंकि अगर वो सरकार नहीं बना पाते तो क्या करते हैं, वो कॉमन मिनिमल एजेंडा पे चलते हैं। हमें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये दृष्टांत के तौर पर देख लीजिए, तब जब वो कॉमन मिनिमल एजेंडा पे चलते हैं तो क्या करते हैं, कोई बोलता है ये अपना कॉमन मिनिमल एजेंडा है, बाकी जो अपना खुद का एजेंडा है उस पर अभी ध्यान नहीं देंगे, जो हमने सबने में लेकर तय किया है। तो वैसे ही यहाँ पे खरपर मरीच नवनीत या नींबू रस उसमें मिला के एक उनका एक कॉमन मिनिमल एजेंडा बन जाता है। ये तो क्या होता है, मैं ऐसा देखता हूं कि बहुत सारे लड़के या वैद्य लोग भी, मैंने अवज्ञा और दिनी देखी उसमें कुटकी है, नहीं होता ऐसा, आप अवज्ञा और दिनी में ठीक है ना, ऐसे व्यवहार में भी आप देख सकते हो कि कोई एक लड़का होता है या एक कोई अच्छी लड़की होती है, तब उससे बात करने में सहजता होती है, लेकिन वही लड़का उनके दोस्तों में मिल जाता है तब बहुत सारे लोगों को डर लगता है, नहीं यार अभी नहीं इससे बात करेंगे, ये कोई लड़की होती है, तो जब वो अपने सहेलियों से मिल जाता है तब लगता है कि नहीं अभी ये सब ग्रुप है, तो इसमें ये ग्रुप से नहीं बात हो सकती, ये जब लड़का अकेला है तब उसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, उसकी मदद ले सकती है, अभी वो ग्रुप में मिल गया ना कुछ नहीं होगा इससे, ये हमारा भी अनुभव किया है कॉलेज के जमाने में, हमने भी किया है, आपने भी किया होगा, व्यवहार में भी हम लोग कहते हैं, कोई काम होता है चार लोगों का, अगर ग्रुप में हमें जाना है तो कहते हैं नहीं ये ग्रुप से नहीं होगा, वो हमें सहन नहीं होगा, हम कहते हैं कि ये इकट्ठा इससे बात कर ले तो अच्छा है। तो ये व्यक्ति प्रभाव और समुदाय प्रभाव, इसका चिंतन अलग अलग होता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये शब्द मेरे नहीं है, चरक के ही है, चरक विमान स्थान में आपको ये समुदाय प्रभाव, एक प्रभाव समुदाय प्रभाव, ये शब्द आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया तृतीय विचार, तृतीय स्तर संस्कार विचार, ठीक है, थोड़ी एक अनुधावन कर ले, तो दो गुना मरीच एक गुना उस ग्रुप का कुछ ना कुछ रस वीर्य विपाक बन गया, उसमें हमने नवनीत और रगड़ लिया, तो खरपर मरीच नवनीत का इस ग्रुप का कुछ रस वीर्य विपाक बन गया, उसमें हमने नींबू का रस डाला, इस सब संस्कारों के बाद उस सब का एक रस वीर्य विपाक बन गया। अभी यहाँ पे रस की चर्चा सिर्फ आपको अध्ययन के लिए दी है, वास्तविकता औषधि जो है तो वीर्य प्रधान होती है, इसलिए सिर्फ वीर्य की चर्चा करनी चाहिए, लेकिन रस की चर्चा क्यों करनी है आपको अगले स्तर पर बताऊंगा। चलो तो आगे चलते हैं चतुर्थ स्तर पर, हाँ नहीं थोड़ा रह गया, तो तृतीय स्तर पर हो गया अपना समुदाय प्रभाव का रस वीर्य विपाक, मिल गया ना आपको कि समुदाय प्रभाव जो है उसका रस बल वीर्य बल और विपाक का बल मिल गया। अभी उसका विश्लेषण कीजिए आप कि अगर इसका रस कटु है तो कौन से दोष पर काम करेगा, क्या काम करेगा, यानी कि वात पर क्या काम करेगा, पित्त पर क्या काम करेगा, कफ पर क्या काम करेगा, रस धातु पर क्या काम करेगा, और तीन मलों पर क्या काम करेगा। देखिए आसान नहीं है,
मैं आपको पूरा 1 महीना दे रहा हूँ, एक लघु मालिनी का अध्ययन ही आप पूरा महीना कर लीजिए। आपको अगर कुछ मेरी मदद चाहिए जरूर लीजिए, लेकिन 1 महीने के बाद आपको जो लघु मालिनी दिखाई देगी उसका आपका एक अलग ही दृष्टिकोण तैयार हो जाएगा। तो अभी ये विश्लेषण कर लीजिए आप कि जो समुदाय प्रभाव का एक रसवीरी विपाक हमने तय कर लिया, अभी उसका दोषों पर होने वाला परिणाम, धातुओं पर होने वाला परिणाम तथा मलों पर होने वाला परिणाम, इसका विश्लेषण कीजिए। अभी ये आपको कम से कम इसके लिए हर दिन 1 घंटा बैठे तो 3-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये कीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके? चलो आगे क्या करना है हमको। समुदाय प्रभाव लघु मालिनी का जो हो गया उसका रस तैयार कर लिया हमने, तय कर लिया, वीर्य तय कर लिया, विपाक तय कर लिया, और अब उस रस का दोषों पर होने वाला परिणाम, धातुओं पर होने वाला परिणाम तथा मलों पर होने वाला परिणाम, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसलिए पेपर पेंसिल लेके ये लिख लीजिए, सिर्फ मन में चर्चा मत कीजिए। थोड़े अगर आप अगर MD है या उसके भी आगे है फिर भी ये कर लीजिए, क्योंकि द्विर्वद्धम सुबद्धम भवति, 4 बार करें। मैं भी करता हूँ, अभी 60 में मेरी एंट्री हो जाएगी जल्दी, लेकिन ये कर लेता हूँ। करना जरूरी है, कभी कभी कागज पेंसिल लेके भी बैठना चाहिए, तो करना जरूरी होता है, अच्छा होता है। तो ये कर लीजिए, दोषों पर होने वाला परिणाम, धातुओं पर होने वाला परिणाम और मलों पर होने वाला परिणाम। अभी आगे चलते हैं। अभी ये जो है उसका चतुर्थ स्तर शुरू होता है। तो पहले स्तर पर हमने क्या किया है कि फलश्रुति में जितने दिए है उसका एक रगड़ा मार दो, चलो इस पर ये दवाई है, हो जाएगा। दूसरा स्तर हमने किया जन्य जन्य का भाव है या उसमें सावचर्य भाव है तो उसका विचार कीजिए। ठीक है, ये हो गया। तृतीय स्तर पर हमने क्या किया, उसकी कल्प की एक संस्कार विचार के अनुसार समुदाय प्रभाव का रस वीर्य विपाक तय कर लिया। अभी क्या होता है कि कभी कभी ये तो हमने सिर्फ इकट्ठा किया है रस लघु मालिनी में, लेकिन कभी कभी उसमें जल की भावना देते हैं, यह 4-4 त्रिभुवन कीर्ति में हिंगोलम च विषम विषम टंकड़म मगधीशिपम संचूर्ण भावये त्रेधा सुरस अर्द्रख हेमभी। तो ये तो बहुत ही जटिल हो गया, तो वो बाद में करेंगे, या उसकी एक विजन आपकी डेवलप हो जाएगी जब आप ये लघु मालिनी का छोटा सा काम कर लेंगे तब। ठीक है, लेकिन करना तो जरूर है आपको। एक पूरे महीने का मैं आपको अवधि देता हूँ, 1 महीने के बाद मुझे आप जरूर आपके विचार जो आपने अनुभव किया है। ऐसा होता है कि अगर ये आप शुरू करेंगे तो रात दिन आपके दिमाग में चिंतानंद छाती चिंतानंद हो जाएगा। रात को आप 2:30 बजे उठेंगे और कहेंगे अरे नहीं ये मुझे करना था, अभी चलो ये कर लेता हूँ, और पानी पी के सो जाएंगे आप। ऐसी एक अपनी एक वृत्ति तैयार हो जाती है उस कल्प के बारे में सोचने की, और यही होनी चाहिए। चर्क का एक सूत्र होता है, ऐसा होता है कि ऐसे मुग्ध हो जाते हैं चरक का कोई सूत्र लेकर, ऐसा बहुत बार हुआ है। थोड़ा सा विमर्ग मन कर लेता हूँ, मेरे गुरुजी जी रमेश तमल उनका घर है दिव्यागर में, जाते रहते थे, अब थोड़ा जाना कम हो गया हमारा। तो सुबह 5:30-6 बजे उठ के उनकी जो टेरेस है वहाँ पे हम बैठते थे, गुरुजी कहते थे कि अरे सूत्र कैसा है, तो मैं ऐसा मुग्ध रह जाता था और पूरा एकदम शांति से बैठते थे। कब तक, 5:30 से लेकर लगभग 8:30 जब तक ब्रेकफास्ट का टाइम ना हो जाए तब तक हम दोनों गुरुजी उनके वही इकट्ठे ही बैठे रहते थे टेरेस पे, वो उनके कुर्सी पे, मैं मेरे कुर्सी पे, बिना कोई बात किए ऐसे ही दूर तक देखते रहते थे। 8:30 बजे वो आती थी महिला, कहती थी कि चलो ब्रेकफास्ट तैयार है, तब नीचे जाके हम चर्चा करते थे। तब ये दृश्य जो कोई अलग सा आदमी देखता था तो बोला कि क्या ये 3 घंटे ऐसे ही बैठे, 2 घंटे ऐसे ही बैठे थे बिना कोई बात किए, और अब कितनी बात कर रहे, क्योंकि उसी सूत्र का एक उनका परिप्रेक्ष्य, मेरा परिप्रेक्ष्य, उनका अनुभव, मेरा अनुभव,
ऐसे दो दो घंटे हम सिर्फ एक सूत्र पर ही, तीन तीन घंटे, आठ आठ घंटे भी एक सूत्र पर हम ऐसे ही बैठे, दिन भर बात ही नहीं की, कुछ एक ही सूत्र पर ही विचार करते रहे, तो ये आपको आदत लग जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक जो स्तर है, कागज पेंसिल लेकर बैठ जाइए, एक अध्ययन कर लिए बस आपका हो गया काम, वनस्पति आपके सामने वो पूरा आकर बताएगी कि मुझे ऐसे इस्तेमाल करो भैया। तो चलो, चतुर्थ स्तर है उक्त व्याधि विचार। अभी उक्त व्याधि विचार में क्या करना है हमको कि जैसे जीर्ण ज्वर दिया है, पहला जो उक्त व्याधि है ने जो ग्रंथों में फलश्रुति दी है तो इसमें दिया है कि जीर्ण व्याधि, जीर्ण ज्वर। अभी जीर्ण ज्वर में जो हमने पहले देख लिया था कि रस दोष धातु मलों पर क्या हम होने वाला है, उसके अनुसार आप लघु मालिनी का इस्तेमाल जीर्ण ज्वरों में कैसे करें ये लिख लीजिए। अभी इसका वीर्य इस्तेमाल करना है हमें, जीर्ण ज्वर में ही करना है लघु मालिनी, लेकिन जीर्ण ज्वर में दोषों की विकल्पना क्या हुई है, वातक की विकल्पना क्या है, धातुओं की विकल्पना क्या है, मल की विकल्पना क्या है, उसके अनुसार आपको लघु मालिनी इस्तेमाल करना है। फिर एक बार बता देता हूं, जीर्ण ज्वर में करना है तो आप बिंडो माथा फोड़ी बिना करते हुए भी दे दे तो इससे उसका असर होने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है क्योंकि ये आपका वचन है। लेकिन अगर आपको कंसल्टेंट बनना है, जनरल प्रैक्टिशनर से आगे जाना है, कंसल्टेंट बनना है, तो क्या करें आप, उसी जीर्ण ज्वर का विकल्प तैयार करें। ये तो जीर्ण ज्वर ही है लेकिन इसमें दोषों की परिभाषा, पित्त बढ़ गया है, कफ सम है, वातक क्षीण है, जो कुछ भी आपके हिसाब से हो, वो धातुओं की परिभाषा यह है और मलों की स्थिति ऐसी है, तो अभी इस दोष में, इस धातु में और इस मल में मुझे लघु मालिनी देनी है अवस्था में, तो मुझे क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर पित्त प्रधान ही है तो मुझे शायद लघु मालिनी का अनुपान बदलना होगा। इसमें दिया है दुग्ध है, अभी क्यों दिया है दुग्ध आपके सामने आ गया, कभी कभी मुझे घृत देना पड़ेगा या नींबू का रस देना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, लघु मालिनी तो देनी है लेकिन पित्त प्रधान है तो आपका कार बदलना पड़ेगा, उसकी मात्रा बदलनी पड़ेगी, वात प्रधान है तो मात्रा बदलनी पड़ेगी, काल बदलना पड़ेगा, अनुपान बदलना पड़ेगा, कफ प्राधान्य है, मात्रा काल और अनुपान बदलना पड़ेगा, धातु अगर रस धातु क्षीर्ण है तो आपको यही वही लघु मालिनी का एक अनुपान पान कर देना पड़ेगा, रक्त धातु वृद्ध है आपको अनुपान बदलना पड़ेगा, मात्रा काल सब बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना चतुर्थ स्तर। तो एक ही जीर्ण ज्वर में का इस्तेमाल पर हमारा एक 10 पाना एक निबंध हो सकता है, लिख लीजिए पेज तो कम से कम लिख लीजिए कि जीर्ण ज्वर की विकल्पनाएं, दोषों की विकल्पनाएं, धातु की विकल्पनाएं और उसमें लघु मालिनी की परिभाषा, वो आपको तय करनी है, इसको बोलते हैं ऊह तंत्र युक्ति। और उसमें क्या महत्वपूर्ण है, मरा कालाश रहे युक्ति, युक्ति करनी है तो क्या है, मात्रा और काल तय करना और एडिशनल आ जाता है अनुपान उसका, ये तय करो, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ जीर्ण ज्वर स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हैं और आपकी दवाई एक ही है, लघु मालिनी ही है आपके पास और आप हो गए कंसल्टेंट, जीर्ण ज्वर कंसल्टेंट, जीर्ण ज्वर के कंसल्टेंट के पास दवाई एक ही है, लेकिन वो कंसल्टेंसी क्या देगा कि इस जीर्ण ज्वर की दोष विकल्पना ऐसी है, व्याधि विकल्पना ऐसी है, दोष धातु विकल्पना ऐसी है, मल विकल्पना ऐसी है, इसलिए यही लघु मालिनी आपको फलाने मात्रा में, फलाने काल में, फलाने अनुपान के साथ लेना पड़ेगा। यह हो गया कंसल्टेंसी का विचार। ठीक है, तो प्रथम स्तर में हमने देख लिया कि माथा फोड़ी ना करते हुए दे दो, द्वितीय स्तर पे हमने दे दिया कि साहचर्य भाव देख लिया, यानी कि इकट्ठा होना, समुदाय समूह प्रभाव देख लिया और जन्य जनक भाव देख लिया, तृतीय स्तर पर हमने उसका विश्लेषण किया, उसके संस्कार विषय का अध्ययन किया। अभी चतुर्थ स्तर पर, चतुर्थ स्तर का भी ये पार्ट ए है कि उक्त व्याधि में इसके फलश्रुति में उक्त है, फलश्रुति में उक्त है कि जीर्ण ज्वर ले लिया, अभी अभी आप, आपको चाहिए तो प्रदर का नाम लीजिए या अर्श का नाम लीजिए,
पर आप चर्चा कीजिए, अगर आप महिला विशेषज्ञ हैं तो प्रदर पर दोषों की कल्पना कैसी होती है और उसके अनुसार आप प्रदर के कंसल्टेंट है, आपके पास दवाइयाँ एक ही दवाई की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रदर पर भगवान ने कितनी देनी है। जैसे कि मैं बताता हूँ कैसा फर्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र है कि जो कहीं से भी फोन कर लेते हैं कि सर हमारा एक रुग्ण है और अभी आईसीयू में एडमिट है और उन्होंने बोला कि जो आपको करना है करो, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे एक विद्यार्थी मित्र ने फोन किया था कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, क्या करूं। तो मैंने कहा वहां जाके बैठा बैठो, आप आईसीयू में जाके बैठो और ये जो बात ये उसको आप चटाओ आप खुद, क्योंकि आईसीयू में अगर आपने नर्स को दे दिया या किसी असिस्टेंट डॉक्टर को दे दिया तो उनको मालूम नहीं रहता कैसे जाटाना है, उसके कारण भी वो उसका एस्पिरेट हो जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो आप चटा, चटाने का विधि पता दिया मैंने कि जो अपने दंतेविष्ट होते हैं उस पर रगड़ो या नहीं तो जिह्वा के नीचे रगड़ो, ऐसे जब चटाओ मत, रगड़ो वो दंतेविष्ट पर ऊपर या नीचे, या आधे घंटे के बाद ये ऑब्जर्व करो, 1 घंटे के बाद ये ऑब्जर्व करो, ये होता है तो उसके बाद ये चर्चा करेंगे। इतना आपको ये सब आप भी कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी थोड़ी कंसल्टेंसी लेवल, फर्क समझ में आ रहा है ना। जनरल प्रैक्टिशनर में तो आपका हो गया, अभी ये मैंने कहा कि सिर्फ प्रदर के कंसल्टेंसी और दवाई आपके पास एक ही है, लोग वाली नहीं हो सकते। अभी आप उसी प्रदर पर उसी लघुमालिनी का एक व्यापक विचार रख लो तो आपका एक कम से कम 10 पेजेस आपका एक निबंध तैयार हो जाएगा। चलो हो गया, ये मुझे लगता है यहाँ तक तो ठीक है, आगे जाएंगे। अभी अभी जो आता है वो उसको बोलते हैं सुपर कंसल्टेंसी। तो जनरल प्रैक्टिशनर से लेकर आप हो गए कंसल्टेंट, अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ चतुर्थ स्तर, उसको बोलते हैं अनुक्त व्याधि विचार। तो अनुक्त व्याधि विचार यानी जो ग्रंथ निदान ही हुआ नहीं, जिसका जैसे कि कैंसर है या पहले एड्स था या क्रॉनिक रीनल फेल्यूर था, तो उसका आयुर्वेदीय निदान आपको करना है। ये कैंसर का या इसका आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन तो है नहीं, उसी प्रकार का होने की जरूरत भी नहीं, गुंजाइश भी नहीं, पर उसका तो निदान हम कर लेते हैं। अभी ये कैसे कर लेते हैं उस पर मेरा ये एक अलग सा कोर्स हो जाएगा, नहीं तो आप जरा मेरे यूट्यूब पर देख लो, श्री बावड़ेकर चैनल है, वहां पे कुछ ना कुछ व्याख्यान आपको मिल जाएंगे। ये पुस्तक भी मेरा उपलब्ध है लेकिन मराठी में है, नवीन व्याधि नवीन रोग वो आयुर्वेद, ये हमारा हमारी संस्था का पुस्तक था, वो अमेजोन पर उपलब्ध है, पीडीएफ है उसकी, लेकिन मिल जाएगा क्योंकि प्रिंट में अवेलेबल नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। उसमें हमने दोषों के अनुसार जो नए रोग कहे जाते हैं, कैंसर है, एड्स है, पीसीओएस है, इसकी एक आयुर्वेदिक निदान कैसे करे दोषों के हिसाब से, दोषों के विवरण से, उसकी एक पद्धति हमने तय कर लिया है। ये मेरे व्याख्यान अलग अलग उपलब्ध है, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी ले लिए हैं, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ पे नहीं जाना तो पहले माधव निदान देख लीजिए मेरा जो कोर्स आ रहा है, उसके बाद हम लोग अभी नवीन रोगों आयुर्वेद या अनुक्त व्याधि और आयुर्वेद, इसका एक कोर्स मेरी वेबसाइट पर जल्दी ही आने वाला है, वहाँ पे आपको हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहने का क्या है कि अनुक्त व्याधि कोई भी पेशेंट आपके पास आता है कि जिसका आपका ग्रंथों के अनुसार उसका निदान हो नहीं पाता, पेशेंट फाइल ही लेकर आता है, कहता है ये मेरा इतना फलाना फलाना मैंने इन्वेस्टिगेशंस किया है, और जिसमें उसके लक्षण ही कुछ नहीं होते। इसे समझो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो लोग क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बढ़ गया है मेल बढ़ गया है, यानी गुगुल गुगुल दे दिया और सत्यानाश कर दिया। ऐसे मेरे पास कम से कम मैंने 50 पेशेंट ट्रीट किए हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया इसका मतलब किसी वैद्य नहीं, अच्छे अच्छे वैद्य के नाम है, उन्होंने निदान कर दिया इसका कि मेद बढ़ गया, गूगल 2-4 ग्राम पर डे गूगल दे दिए और उसको कुछ और विकल्प ही नहीं रहे, तो
पूरा पेशेंट का सत्यानाश कर दिया, उसके बाद मेरे पास वो आ गए, तो पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ा उनका। 50 से कम ज्यादा कम अनुभव नहीं है मेरे पास, ज्यादा ही है, कम तो नहीं है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, उसके वात पित्त कफ के अनुसार उसका विकल्प करना चाहिए कि इसमें वात की क्या अवस्था हो गई, पित्त की क्या अवस्था है, और रिपोर्ट कुछ भी बताए। तो अभी आप रस विकल्प रस वीर्य विपाक शब्द है, अभी आप ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, अभी बताइए आप कि वात वृद्ध है तो आप लघुमालिनी का क्या करोगे? सिर्फ वात बढ़ गया है, बाकी कुछ नहीं है, तो आप लघुमालिनी का इस्तेमाल कैसे करोगे? तो आप तो मात्रा बदलनी पड़ेगी, काल बदलना पड़ेगा, अनुपान बदलना पड़ेगा। और सिर्फ अनुक्त व्याधि क्या है, वो अनुक्त ही है ना, उसका व्याधि का नामकरण ही नहीं किया है। सिर्फ हमारे पास इसकी ऐसी ये फलाना फलाना रिपोर्ट आया गया है और उसमें लिखा है कि इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, और हमारा निदान क्या है, हमारा निदान ऐसा है कि इसका सिर्फ वात बढ़ गया है, तो अभी इसको देना है लघुमालिनी। तो कैसे दोगे, कितनी मात्रा में दोगे, कब दोगे, अनुपान क्या दोगे? दूसरा पेशेंट आता है, उसका भी रिपोर्ट वही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, लेकिन उसका निदान आपका है पित्त बढ़ गया है, सिर्फ पित्त वृद्धि है, तो उस पर आपको लघुमालिनी देनी है, मात्रा काल और अनुपान बताइए। तीसरा पेशेंट आता है, निदान सेम है उसका, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आप आपको देना है लघुमालिनी, मात्रा बताइए, काल बताइए, अनुपान बताइए। अब चौथा पेशेंट आता है आपके पास, तो आप तो अभी थोड़े कंसल्टेंट से भी आगे चल गए, तो आप क्या करोगे कि नहीं, ये सिर्फ वात पित्त कफा नहीं, ये इसका वात 1+ बढ़ गया है, पित्त 2+ बढ़ गया है, और कफ तो ठीक है, अभी वात 1+ बढ़ गया है, पित्त 2+ बढ़ गया है, और कफ समय है, इसमें हमको लघुमालिनी ही देनी है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको लघुमालिनी के रस मालूम है, वीर्य मालूम है, विपाक मालूम है, तो यहाँ पे योजना कैसे करोगे आप लिख लो। ये अपना चौथा पेशेंट हो गया। अभी ये सन्निपात कितने होते हैं, संसर्ग कितने होते हैं, ये सब आपको मालूम है, नहीं मालूम होगे तो मेरा यूट्यूब चैनल देख लीजिए, उस पर सब आपको पता चलेगा। अगर आपके पास ये मेरा द्रव्यगुण मीमांसा पुस्तक है तो उसमें भी सब देख सकते हो। और अभी ये चौथा पेशेंट आ गया। अभी पांचवा पेशेंट जो आपके पास आ गया, उसकी विकल्पना जो कि आप सुपर कंसल्टेंट है, आपने उसकी विकल्पना कर ली कि ये वात 2+ है, पित्त समय है, और कफट भी 2+ बढ़ गया है। अभी दे आपके पास तो दवाई एक ही है लघुमालिनी, अब उसका विनियोग बताइए आप कैसे करोगे। फिर एक बार पेशेंट वही है, एक पेशेंट आता है, ए पेशेंट आता है, वो बोलता है कि ये मेरा रिपोर्ट है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपका निदान है वात बढ़ गया है। दूसरा पेशेंट आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका निदान है पित्त बढ़ गया है। तीसरा पेशेंट आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका निदान है कफ वृद्धि है। चौथा पेशेंट आता है, आप सुपर कंसल्टेंट है तो निदान करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी है लेकिन वात 1+ बढ़ गया है, पित्त 2+ बढ़ गया है, कफ ठीक है। पांचवा पेशेंट आता है तो आपका निदान होता है कि कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ गया है लेकिन वात 2+ बढ़ गया है, पित्त समय है, कफ 2+ बढ़ गया है। अभी सबके लिए आपके पास दवाइयाँ एक ही है लघुमालिनी, आप इसके विकल्प और उसकी मात्रा काल और उसका अनुपान मुझे बताइए। तो आप हो गए अभी सुपर कंसल्टेंट, आपके पास एक ही दवाई है लघुमालिनी वसंत। आपके पास जो भी उक्त या अनुक्त व्याधि आता है उसके पास आपके लिए दवाइयाँ एक ही है। और मैंने ऐसे देखे है वैद्य जो सिर्फ 3 या 4 भस्म का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने जैसे कह सकते हैं कि बड़े अजीब अजीब जिनको कोई ठीक होने की गुंजाइश भी नहीं थी ऐसे रुग्ण उन्होंने ठीक किए, ऐसे मैंने देखा है, महसूस किया है। एक खोलटकर गुरु जी के पास हम जाते थे, उसके बाद हम रात 11 बजे समाप्त होता था, तो जो गुरु जी ने कहा है जो देखा है उस पर चर्चा करने के लिए हम एक कॉफी शॉप में चले जाते थे। ऐसे ही प्रयास बता रहा हूँ आपको। तो इतने उनसे जो मालिक थे हमारे बड़े परिचित हो गए, तो कॉफी लेते थे, बाहर से ताला लगा लेते थे,
चाबी हमको दे देते और बोलते थे आपको जितना बैठना है बैठो, बाद में जाते जाते एक ताला बंद कर लेना, वो चाबी जो है वो चौकीदार के पास देते ना, जाओ आप। तो हम एक दो कप कॉफ़ी लेकर बैठते थे और कॉफ़ी होने के बाद रात 12, 11, 11 के बाद ही जाते थे, तो 12, 1 बजे भी हम चले जाते थे। कोलटकर गुरु जी ने क्या कहा है उसका दिमाग में जरा थोड़ा कॉफ़ी के साथ डाल देते थे और उसके बाद चले जाते थे। तो एक दिन कोलटकर गुरु जी ने हमसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने कहा कॉफ़ी पीने जाते हैं, आप आओगे क्या? तो गुरु जी भी हमारे साथ आ गए। गुरु जी आ गए तो जो मालिक थे उन्होंने उनके पैर छू लिए गुरु जी के। तो गुरु जी ने हाँ अरे अच्छा। तो ऐसा बाद में पता चला कि गुरु जी के जो गुरु जी थे कुड़तरकर जी, उन्होंने उनकी एक पूरे बदन पर 19-20 संख्या में जितने भी आम का एक साइज होता है ना, आम पिके हुए आम का साइज 4-5-6 इंच का इतना दिखता है ना, ऐसे उसकी ग्रंथियां थी उसके पेशा वो जो मालिक था उसके बदन पर 19-20 ऐसी ग्रंथियां थी और कोई हाथ नहीं लगा रहा था उसको। तो वो ग्रंथियां हमारे गुरु जी ने, कुड़तरकर गुरु जी ने, मेरे गुरु जी के गुरु जी श्रेष्ठ रसकल्पज्ञ थे, उन्होंने ठीक कर दी थी। इसलिए तो हमारा भी भाव बढ़ गया उधर कि कुड़तरकर गुरु जी के विद्यार्थी और कोलटकर जी, और कोलटकर जी के विद्यार्थी और कुड़तरकर जी का भी मेरा परिचय था, उनका भी थोड़ा प्यार मैंने पाया है। तो ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब था कि कुड़तरकर गुरु जी बस 3-4 अच्छे भस्म इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर, बाकी तो उनकी कहने के लिए उनके बारे में बहुत ही पूरा 1-2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। अजीब आदमी थे, बहुत ही श्रेष्ठ वैद्य थे। तो अभी वापिस आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि वहाँ तक बड़ा है ऐसा लघुमालिनी करनी है। तो आप सिर्फ सोच लीजिए कि आपको किसी एक रूम में बंद कर दिया और बोला है कि आज 50 रुपना आ जाएगा आपके पास, आप लघुमालिनी के अलावा कुछ नहीं दोगे, आपको सिर्फ एक ही दवाई है। तो क्या आप कर सकते हैं? क्या ऐसे सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज करना है? तो नहीं, जरूरत नहीं है। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, आपके पास वही औषध की मात्रा है, लेकिन आपके पास 200 भी औषध होने चाहिए, लेकिन एक का अध्ययन अच्छा करें तो उसका इस्तेमाल आप बहुत विकल्प अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो मैं ये एक आपको मेंटल एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि आपके पास 50 लोग आ गए, उसके 200 विकल्प करने और लघुमालिनी देनी है, बस इतना ही काम है आज आपको। 50 रुग्णों का एक विश्लेषण कीजिए और लघुमालिनी देनी है उनको, प्रोवाइडेड वो पहले जो पता दिया था एक्सरसाइज आपने किया है। तो चतुर्थ स्तर हो गया। तो ये हो गया अपना अंतिम स्तर। तो जनरल प्रैक्टिशनर से शुरू करके हम लोग आ गए चतुर्थ स्तर पर, यानी कि सुपर कंसल्टेंट के स्तर पर आ गए। तो जरा थोड़ा एक अनुधावन कर लेते और आज के लिए समाप्त कर लेते। पहला एक ले लिया हमने कि रसकल्पों का अध्ययन कैसे करना है। तो फलश्रुति के अनुसार जैसा कहा गया है उसमें माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है। सिद्धि दैव औषधम एकांतेन, ग्रंथों ने बताया दिया है, दे दो हो जाएगा। दूसरा स्तर आ गया, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लो और अगर फलश्रुति में जो विकार आए हैं उनमें अगर साहचर्य भाव है या जन्य जन का भाव है तो बिल्कुल पर्याप्त है। ये कंसल्टेंसी लेवल आपको दे दी मैंने। तीसरा आपको बताया कि अगर कंसल्टेंसी सुपर कंसल्टेंट बनना है तो आपको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन की मैंने एक आपको फ्रेमवर्क दे दिया कि जितने भी द्रव्य है उसका रस वीर्य विपाक उसके बल उसका समुदाय प्रभाव क्या होता है, हर एक संस्कार के बाद समुदाय प्रभाव में क्या बदल होता है, इसका एक अध्ययन कर लो। तो ये आपका हो गया सुपर कंसल्टेंट होने का एक बेसलाइन तैयार। और बेसलाइन तैयार होने के बाद आप उक्त व्याधि में उसका इस्तेमाल कैसे करोगे इसका एक्सरसाइज कर लो। और बहुत ही बड़ा सुपर कंसल्टेंट बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अनुक्त व्याधि विचार है, अनुक्त व्याधि में आपको लघुमालिनी का या जो भी आपने तय किया है तो इसका इस्तेमाल कैसा करना है
ये आपको तय करना हो। जैसे कि मैंने आपको एक छोटा एक्सरसाइज बता दिया, आपके पास 5 पेशेंट आते हैं, पहले का आपका दोष विकल्पना है वातावृद्ध है, निदान एक ही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, दूसरा वाला पेशेंट है, तीसरे का कफ है, चौथा जो है उसकी विकल्पना आप सुपर कंसल्टेंट हो गए इसलिए ज़्यादा अच्छी कर दी कि इसका वात 1+ पित्त 2+ और कफ सम, पांचवा पेशेंट आ गया तो वात 2+ पित्त सम और कफ 2+। अभी इस पांचों पेशेंट में आपको जिसका निदान किया है मॉडर्न में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, लेकिन आपका आयुर्वेदिक निदान अलग अलग है, तो इसमें आपको लघुमालिनी यही दवाई देनी है, तो आपको विकल्पना करनी है। तो ये आपका एक 4 स्तर पर मैंने आपका थोड़ा एक कुछ जो मैंने मीमांसा से सीखा है या व्याकरण से सीखा है या मेरे अनुभव के आधार पर सीखा है, इन सबका एक समुचित समुदाय प्रभाव बना के आपको खिला दिया है। मुझे आशा है आप इस तरीके से अगर अध्ययन करोगे, किसी एक विकल्प का भी करोगे आप, तो आपका एक नजरिया तैयार हो जाता है, और वो नजरिया जो है वो आपको एक निर्णय लेने में बहुत ही सहायकारी होता है, इसलिए वो नजरिया तैयार होने चाहिए। दोष दृष्टि भवेत वैद्या, ऐसा है हमारे एक प्रात पर गुरु जी थे गणेश शास्त्री जोशी, वो जब आयुर्वेद महासम्मेलन के अध्यक्ष थे, उन्होंने संदेश दे दिया कि दोष दृष्टि भवेत वैद्या, दोषों की विकल्पना अच्छी तरह से कर लो आप। तो वही मैं बता रहा हूँ कि औषध की भी विकल्पना आप अच्छी तरह से कर लो, दोष और औषध दोष औषध निरूपण आप बट भी कहते हैं दोष औषध निरूपण, तो दोष और औषध का निरूपण आप कर ले, तो एक कल्प का अध्ययन आपका नजरिया बदल देगा, आपको जनरल प्रैक्टिशनर से लेकर सुपर कंसल्टेंसी की तरफ ले जाएगा, और ये अनुभूति है इसकी, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बातें कर रहा हूँ। इस तरीके से जिन्होंने अध्ययन किया है उनके अनुभव भी आप देख सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि उनके उनको क्या फायदा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको निबंध लिखना है कि ऐसा तो सर्व रोग है वसंत बहुना कि ज्यादा क्या बोले सर्व रोग हरी आरोग्य वर्धिनी है, तो सर्व रोग हरी कैसे हो सकती है आरोग्य वर्धिनी, तो ऐसे हो सकती है। सर्व रोगी वसंता कैसे हो सकता है, तो ये ऐसे हो सकता है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। ये मेरा चरक श्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसमें मेरा अभी अलग अलग कोर्सेस आ रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल भी है श्री बावड़ेकर, इसे चारा है BA VAD KR, उसमें बहुत सारे फ्री लेक्चर्स है, यहाँ पे कुछ कोर्सेस आ रहे हैं, उसमें कोर्सेस में अभी तो आ जाएगा माधव निदान। माधव निदान आप जरा थोड़ा अच्छी तरह से अध्ययन कर लो, ताकि आप निदान के भी सुपर कंसल्टेंट हो जाएंगे। पहला अध्याय पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वृक्षायुर्वेद का भी एक व्याख्या कोर्स आ रहा है, जो मालूम नहीं रहता वृक्षायुर्वेद क्या है, तो उसकी भी चर्चा थोड़ी सी एक छोटा सा कोर्स है मराठी में है लेकिन ये दोनों, और उसके बाद आ जाएगा स्पोर्ट्स आयुर्वेद जो पूरी नई ब्रांच है, मैं उस पर लगभग 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, और ये लीना जी भी है मेरे साथ और अमृता जी जिन्होंने इस पर विशेष अध्ययन किया है वो भी उस पर उसमें हमारे साथ रहेगी। लेशोक्त एक लीना जी का एक अलग अपना अभ्यास पद्धति है, उस पर वो भी कोर्स जल्दी ही आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे कोर्स वहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं, थोड़े थोड़े अभी पब्लिश होना बाकी है लेकिन आ जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप सम्मिलित हो जाएंगे, वो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। और वो तो हो गया, बाकी प्रोपोगंडा का टाइम हो गया, लेकिन मैं जो कह रहा चाह रहा था कि इस तरीके से 1 महीने तक आपको मैं दे देता हूँ सहूलियत, पूरे 1 महीने में आप किसी एक कल्प का अध्ययन करके आप कम से कम 40 या 50 पेजेस का, जैसे कि MD पे लिख देते ना, इतना आपका अच्छा प्रबंध तैयार हो जाएगा। ऐसा कर लो, केदार जी को बताओ, हरीश जी को बताओ, मुझे कांटेक्ट करके बताओ, तो मुझे लगता है आपके लिए ये अब जो हो रहा है कल्प का अध्ययन, उसमें एक थोड़ा सा एक आपका नज़रिया एडवांस हो जाएगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जो संयोजक है उन सब लोगों को मेरा मनपूर्वक प्रणाम, धन्यवाद।
आज के लिए इतना काफी है, तो आज करते हैं। धन्यवाद सर। सर ने तकरीबन 1.5 घंटे से हमें यह कल्पाध्ययन कैसे करना है, अलग अलग विषयों के सामने हम एक कल्प को कैसे रख सकते हैं, उसका क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, उसका क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं, विकल्प संप्राप्ति की मदद से हम उसका विस्तार कैसे कर सकते हैं, और अनेक आयाम उन्होंने हमें बताए। मुझे लगता है कि हम जो कल्प वाचन करते हैं हर रोज या हम खुद की प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं, तो उनमें इस एक कल्प को कैसे किस नजरिए से देखना चाहिए और उसको कैसे अध्ययन करना चाहिए, इसका अच्छा सा फ्रेमवर्क हमें सर ने आज बता दिया है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है, डाउट है, तो वो इसी चैट बॉक्स में बता सकते हैं, या वो आपका हैंड रेस का जो ऑप्शन है वो भी रेस कर रखे आप माइक ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे उज्ज्वला जी ने क्वेश्चन पूछा है। ओके, वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। ओके, थैंक यू मैडम। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है एक्चुअली कि अगर कोई पेशेंट लक्षण ना हो और सिर्फ रिपोर्ट लेके आए, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, तो इसमें हम किस आधार पे दोष विकल्पना दी सकते। ओके उज्ज्वला जी, ये तो पूरे एक घंटे का व्याख्यान हो जाएगा और शायद इतना समय नहीं है हमारे पास, तो लेकिन मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी लीन दोष विकल्पना पर आप ध्यान दीजिए और दोषों के आधार पर ही उसकी विकल्पना हो सकती है, हेतु, रूप, पूर्व रूप, उपशय, अनुपशय, इनका एक सम्यक चिंतन करके आप उसका निदान कर सकते हैं, हो जाता है, तो आप कर लीजिए। ये बताना में मुझे आनंद है लेकिन इतना समय नहीं है मेरे पास, तो संक्षेप में हेतु क्या हुआ है, रूप क्या दिख रहा है, और इसका रूप क्या दिख रहा है, किससे उपशय मिल रहा है, किससे अनुपशय मिल रहा है, उसके आधार पर आपका दोषिक निदान हो जाएगा, और दोषिक निदान हो जाने के बाद आप उसकी पर्याप्त चिकित्सा कर पाएंगे। तो थोड़े में इतना ही, बाकी तो पूरा एक घंटे का व्याख्यान है, फुर्सत मिले तो वो भी कर लेंगे। और उज्ज्वला जी, ये मैं कहना चाहूंगा कि सर का इसमें एक अलग से 10 या 15 लेक्चर का एक बड़ा वाला कोर्स भी आ रहा है, और सर ने इस पे यूट्यूब पे भी बहुत व्याख्यान दिए हुए हैं कि नए दोषों का अध्ययन, नए व्याधियों का अध्ययन कैसे करें, और जो ग्रंथ में वर्णित नहीं है, जो चीजें कुछ हम यहाँ पे आज देख रहे हैं, उसको दोषों की संप्राप्ति में और आयुर्वेद की परिभाषा में कैसे विचार करें और लिखे ऐसा, तो वो भी ये जो डिटेल है सर के, इसका बुक भी पब्लिश है, तो वो बुक के डिटेल्स और ये सर के लेक्चर से उसका भी डिटेल्स हम हमारे ग्रुप पे डालेंगे और वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे सौम्य जैन जी है, वो कुछ कहना चाहती है, और पाटिल सर, पाटिल मैडम है, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ सर और मैडम, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस, पाटिल सर और मैडम, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन बॉक्स में अगर यस, तो ठीक है, अगर किसी को और कुछ क्वेश्चन है तो वो इसी बॉक्स में डालें, या फिर मुझे लगता है कि सर ने हमें बहुत अच्छा गाइडेंस किया आज इस कल्प वाचन सेशन में सर आए और हमारे सभी वैद्यों को, विद्यार्थियों को अच्छे सा मार्गदर्शन किया, और एक कल्प वाचन का एक अनुभव कैसा होना चाहिए, एक विजन कैसी होना चाहिए, उसका एक डिटेल परामर्श हमें दे दिया है, और उसके साथ हमें एक फ्रेमवर्क भी दिया है, उसका एक होमवर्क भी सर हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हम करें एक महीने में, और इसी कल्प वाचन सेशन में उसको हम प्रेजेंट करें, तो उससे हमें बहुत फायदा होगा, हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत फायदा होगा। तो इस ये जो पूरा रिकॉर्डिंग है इसका इसी ऐप में, इसी फोल्डर में रहेगा। दूसरी एक बात कहना चाहूंगा मैं कि सर के कुछ बुक भी पब्लिश हुए हैं, अगर वो किसी को चाहिए और कुछ लेना चाहिए तो उसका भी डिटेल्स हम अपने ग्रुप पे डालेंगे,
इसके साथ में सर के, जैसे सर ने बताया कि सर की वेबसाइट भी पब्लिश हुई है चरकश्री नाम की, और सर का ऐप भी पब्लिश हुआ है चरकश्री, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वेबसाइट भी देख सकते हैं उस पर सर का डिटेल, जो सर का अध्ययन का कार्य है, अध्यापन का कार्य है, और सर ने अलग अलग विषय वहाँ पे साझा किए वो हम भी देख सकते हैं वहाँ पे। उसका भी लिंक हम हमारे ग्रुप पे डालेंगे, यहाँ पे भी हमने डिस्प्ले किया हुआ है, तो वहाँ पे हम जरूर मिलेंगे। तो धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम यहाँ पे रुकते हैं, हम ये सेशन अभी एंड कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स सभी को।